जी तो व्यूअर्स, ओडीआई सीरीज भी हुई अख्तितम पे और पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज 2 1 से नाम की। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का टूर पे आई थी और टेस्ट मैच जीतने के बाद ओडीआई में पहले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विन्स ने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में कामयाबी दी। तो 7 मैचेस की मुश्तमिल ये टूर ऑस्ट्रेलिया का, 6 मैचेस हो चुके हैं और अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 मैच, दैट इज T20 एंड विल बी प्लेड ऑन 5th अप्रैल। तो रही बात टेस्ट सीरीज की, जिसमें से अभी तक 1 मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 2 मैच ड्रॉ हुए, 2 मैच पाकिस्तान ने जीते ओडीआईज के, 1 ऑस्ट्रेलिया जीता। तो टेस्ट सीरीज उनके नाम, ओडीआई सीरीज हमारे नाम, देखते हैं T20 पे कौन बादशाह बनता है। थोड़ी सी बात करते हैं रिकॉर्ड्स एंड अलर्ट पे। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में तकरीबन सारे अपने मेन मैन अवार्ड्स लेके उड़ गया। इस मैच के बैटर ऑफ द मैच रहे मामूल हक, जिन्होंने शानदार रन की 89 रन की इनिंग्स खेली, और बाबर आजम हैज़ बीन एक्सेप्शनल और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, और ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। लेकिन थोड़ा सा इमाम से आप क्रेडिट ले नहीं सकते, लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि इमाम डिजर्व भी करते थे बैक टू बैक 100 उनके, और इस मैच पे भी सिर्फ 11 रन शॉर्ट रहे। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इमाम को अगर मिलता तो मेरे नजदीक से बेहतर था, लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम छाए पड़े हैं और इज़ बिन डूइंग फैबुलस लाइक अराउंड द ग्लोब, जहाँ भी जाते हैं अपने पाकिस्तान के झंडे गाड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशहम बात। तो कोई ट्रेविस हेड सुन रहे थे कि शुरू में बड़े अच्छे मैचेस जा रहे हैं, वो उनको एक कंटेंडर्स हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के, लेकिन आज गोल्डन डक पे गए तो सारे अवार्ड्स पाकिस्तान ने ले उड़े और ये ट्रॉफी भी पाकिस्तान के नाम रही। तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बाबर आजम के नाम रहा, बैटर ऑफ द मैच रहा। इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बॉलर्स को हमें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें इतने मैचेस में स्टार्ट दिया। स्पेशली शाहीन अफरीदी का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि स्टार्ट में 2 मैच, पहले मैच में वो नहीं थे, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, दोनों मैचों में वापस आया, दोनों मैच तो इससे इंपॉर्टेंट शो थी कि शाहीन पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट। स्पेशली उनका जो फर्स्ट ओवर होता है उसको कोई नहीं भूल सकता, बड़े बड़े बैट्समैन को उन्होंने चकमा दिया है पहले ओवर में। दैट वॉज अ गुड सीरीज एट द एंड, और तवील से बात करेंगे अपने पैनल के साथ भी, अब वो T20 सीरीज पर नजर है कि कौन जीतता है। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, ओडीआई सीरीज खत्म हुई, टेस्ट सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया ने, ओडीआई सीरीज जीती पाकिस्तान ने, लेट्स सी देखते हैं कि T20 किसके नाम रहता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।